अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रात के टाइम यूथिंग यूलान के रूम में जाता है जहाँ वो चिबाओ के साथ सो रही थी। यूथिंग उसके पास जाता है, ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके फॉरहेड पर किस करने वाला होता है, पर तभी यूलान जाग जाती है। देन फ्लैशबैक में बताया जाता है श्यांग यूथिंग को कुछ आइडिया दे रहा होता है कि वो यूलान को कैसे मनाए। श्यांग, तुम ना पहले बहुत ही बुरे थे, अगर तुम चाहते हो कि यूलान तुम्हें माफ कर दे तो उसे सिंसियरिटी के साथ ट्रीट करो। प्रेजेंट में यूलान पूछती है तुम क्या कर रहे हो। यूथिंग हेजिटेटली कहता है मैं तो बस तुम्हें ब्लैंकेट उड़ा रहा था। यूलान, तुम अभी रूम से जाओ। तो वो चला जाता है। नेक्स्ट डे यूलान चिबाओ के साथ श्याओ श्याओ से मिलने जाती है। श्याओ श्याओ यूलान से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगा था कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। देन श्याओ श्याओ पूछती है तुम और मैंग मिलकर क्या करने की सोच रहे थे। यूलान, इवन तुम्हें पता है कि मैं इतने सालों से मैंग के साथ थी, पर हमारे बीच रिलेशनशिप सिर्फ एक भाई बहन की तरह थी। मैं मैंग को फालतू की होप देना नहीं चाहती। श्याओ श्याओ, तुम्हें समझ सकती हूँ। यूलान, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तो मैंग को समझाओ कि मैंने कभी उसे मैंग की तरह नहीं देखा। श्याओ श्याओ, यूलान तुम टेंशन नहीं लो, मैं मैंग को समझा दूंगी। देन यूलान यूथिंग और चिबाओ के साथ लालेन गार्डन जाती है। उस गार्डन के गार्ड यूलान को इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और चिबाओ को देखकर पूछते हैं क्या ये तुम्हारा और मिस्टर यूथिंग का सन है। यूथिंग, हाँ ये हमारा सन है। देन वो अंदर जाते हैं। यूथिंग, मॉम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूलान को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। और यूलान, आई एम सॉरी मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे लेटर्स रीड कर लिए। यूलान, अब उस बात को भूल जाओ। देन यूई लालेन गार्डन जाती है लॉयर को लेकर और लालेन गार्डन के गार्ड से कहती है कि वो अब इस गार्डन को रेंट पर दे रही है। गार्ड, तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूलान की है और वैसे भी अब ये मिस्टर यूथिंग की कंपनी के अंडर पहुंच गई है। यूई, यूलान फैमिली का पार्ट है इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी भी हुई। तभी यूथिंग बाहर आता है और कहता है कोई इस प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता। यूई यूलान को देखकर चौंक जाती है और पूछती है तुम अभी मरी नहीं। यूलान, क्या तुम इतना विश कर रही थी कि मैं मर जाऊं, अब मुझे जिंदा देखकर डिसअपॉइंट हो गई। यूथिंग उनसे कहता है कि वो जल्दी से वहां से चले जाए। यूई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहती तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। यूथिंग, तुम जैसी लड़की के साथ रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता और जल्दी से यहां से जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इस सिटी में भी रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यूई उस लॉयर को लेकर वहां से चली जाती है। यूथिंग यूलान और चिबाओ को लेकर घर पहुंचता है। यूलान उससे थैंक्स कहती है उसकी मॉम की इनहेरिटेंस बचाने के लिए। यूथिंग, यूलान हम इतने दूर कब से हो गए, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है इसलिए मुझे प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। देन यूथिंग यूलान के क्लोज जाता है सीट बेल्ट खोलने के बहाने। यूलान बहुत नर्वस हो जाती है। यूथिंग, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो गए हैं। यूलान, ऐसे ही वो जल्दी से अंदर चली जाती है। देन यूथिंग शावर ले रहा था। चिबाओ को सुलाकर यूलान बाथरूम में जाती है जहाँ यूथिंग होता है। यूलान उसे देखकर फिर से नर्वस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। यूथिंग उसे पकड़ता है और वॉल की साइड पुश करता है और उसे किस करने के लिए क्लोज जाता है और किस करते हुए वो दोनों रूम में आ जाते हैं। फिर यूथिंग उसे बेड पर पुश करता है और उसे किस करने वाला होता है। यूलान इस बार अपना फेस साइड कर लेती है क्योंकि उसे पास की बातें याद आती हैं कि यूथिंग उसके साथ जबरदस्ती करता था क्योंकि उसकी शादी यूई से नहीं हो पाई थी। और फिर वो उसे धक्का देती है। यूथिंग उसे सॉरी कहता है और यूलान चिबाओ के पास चली जाती है। यूथिंग श्यांग के साथ क्लब में जाता है जहां वो ड्रंक हो जाता है। श्यांग, मुझे लगता है तुम यूलान को लेकर अपसेट हो इसलिए तुम्हें उस पर गिव अप कर देना चाहिए। यूथिंग, बिल्कुल नहीं, मैंने उसका 3 सालों तक वेट किया है और अब वो फाइनली मेरे पास वापस आ गई है और मैं उसे मना भी लूंगा। देन श्यांग उसे घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे यूई बहुत गुस्से में मैंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है। मैंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूई, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम ना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। मैंग, क्या मतलब है तुम्हारा। यूई, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। 3 साल पहले उस टाइम तुमने मुझे यूलान को परेशान करने को कहा था हॉस्पिटल में और तुमने ही यूथिंग के ग्रैंडपा को बताने को कहा था कि यूलान अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या तुम अचानक से सब भूल गए। अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और तुम उसे वापस यूथिंग के पास ले आए। मैंग, मैं नहीं लाया बल्कि यूथिंग उसे वापस लाया है। यूई, तुम मुझे ये बताओ चिबाओ किसका सन है। मैंग, ये मेरा सन है। यूई, यूलान सच में बहुत बुरी है। पहले वो तुम्हारे साथ थी और फिर से तुम्हारे बच्चे के साथ यूथिंग के पास आ गई। मैंग, यूई चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। यूई, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारा सन किसी और को डेट करेगा। मैंग, तुम यहाँ से जाओ। यूई, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने बच्चे और यूलान को बहुत दूर ले जाती जहाँ यूथिंग उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। मैंग, तुम्हें पता है
तीन सालों से मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की उन दोनों का डाइवोर्स कराने में। अब तुम फालतू की ट्रिक्स यूज करना बंद करो, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। यूई, मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल होने ही वाली थी, पर तभी यूलान आ गई। यूलान वापस ना आती तो यूतिंग मेरा हो जाता। मैंग, तुम पागल हो और यहाँ से जाओ। इस बार मैंग उसे खुद अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है और फिर उसकी ही बातों के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि उसे यूलान पर इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। वो यूलान को कॉल करता है और मिलने की कहता है, और कहता है परसों चीबाओ का बर्थडे है तो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। यूलान, ठीक है। यूलान और मैंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में यूतिंग पहले से ही होता है। वो जब उन्हें देखता है तो उनके पीछे जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बातों बातों में जब यूलान के फेस पर कॉफी लग जाती है तो मैंग उसे साफ करने उठता है, पर तभी वहाँ यूतिंग आ जाता है और पूछता है, क्या कॉफी टेस्टी है, मुझे भी ट्राई करने दो। और वो उसे किस करके कॉफी साफ करता है। यूलान, ये तुम क्या कर रहे हो? यूतिंग, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यूलान, परसों चीबाओ का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। यूतिंग, चीबाओ का बर्थडे है और तुमने मुझे नहीं बताया? मैंग, चीबाओ के लिए ये स्पेशल डे है, मैं और यूलान मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तुम उससे दूर रहना जिससे वो अपनी बर्थडे के दिन खुश रहे। यूतिंग गुस्से में यूलान को वहाँ से ले जाता है। यूलान, थोड़ा स्लो चलो और इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऑलरेडी मैंग के साथ सब क्लियर कर लिया है। यूतिंग, मैं गुस्सा क्यों ना हूँ? उसने ऑलरेडी तुम्हारे लिप्स टच कर लिए थे। यूलान, मेरे फेस पर कॉफी लग गई थी। वैसे मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि तुम जैसा जेलस पर्सन ही इस तरह के वियर्ड थॉट अपने दिमाग में लाता है। यूतिंग उसे अपने क्लोज लाकर कहता है, आज से सिर्फ मैं तुम्हारी चिंता करूंगा और मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कोई और नहीं, खासकर मैं। यूलान, ठीक है। यूतिंग खुश हो जाता है। देन यूतिंग शियांग से मिलता है और पूछता है कि वो क्या करे जिससे मैंग चीबाओ का बर्थडे ना मना पाए। शियांग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंग चीबाओ का बायोलॉजिकल डैड है। अगर बड़े होकर चीबाओ को पता चला कि तुम उसे उसके बायोलॉजिकल डैड से मिलने नहीं देते थे तो वो गुस्सा हो जाएगा और उसके गुस्सा होने की वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप यूलान के साथ खराब हो जाएगी। इस बार तुम मैंग को उसका बर्थडे मनाने दो और तुम भी उसे गिफ्ट दो जिससे वो खुश हो जाए। और अभी वो सिर्फ 3 साल का है, तुम उसे बहुत प्यार करो जिससे वो तुम्हारी साइड हो जाए। यूतिंग, तुम सही कह रहे हो। यूतिंग घर जाता है और चीबाओ के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे पियानो प्ले करना भी सिखाता है। और इसी के साथ पार्ट 5 एंड होता है।